आज बड़कागांव ब्लॉक मोड़ में आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़कागांव विधानसभा के आजसू पार्टी के प्रत्याशी रोशनलाल चौधरी और समाज सेवी सा आजसू नेत्री निशी पांडे का गाजे बाजे के साथ फूल माला और बूके दे करके स्वागत किया गया। वहीं बड़कागांव स्थित रोशनलाल चौधरी के आवास में विभिन्न दलों को छोड़कर सैकड़ों महिला पुरुष कार्यकर्ताओं ने आजसू का दामन थामा, जिसे आजसू नेत्री बड़कागांव से आजसू प्रत्याशी रोशनलाल चौधरी ने संयुक्त रूप से आजसू का पट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया। सभा का संचालन प्रखंड सचिव कामेश्वर महतो ने किया। वहीं इस मौके पर सभा को आजसू पार्टी के जिलाध्यक्ष विकास कुमार राणा, जिला महासचिव कोलेश्वर गंजू, आजसू नेत्री निशी पांडे, आजसू प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी ने इस सभा को संबोधित करते हुए कहा, इस बार बड़कागांव विधानसभा से जीत ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। यहां के लोगों की समस्या विस्थापन से भयभीत रामगढ़ जिला में जिला बना दिया और विकास जो किया वो पूरे भारत में उदाहरण है, सिर्फ झारखंड में नहीं है। हम उसी इतिहास को इस बड़कागांव विधानसभा में बनाना चाहते हैं। आप आज शपथ लीजिए और जितने लोग उपस्थित हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि बड़कागांव प्रखंड में यदि इस बार 50,000 पोलिंग होगा तो 40,000 वोट आजसू पार्टी के लक्ष्य आपको मिलेगा। बसंत सोनी, संतोष सोनी, राजकुमार सोनी, और हरियर वाले से जितने हैं आज उन्हें आ जाए। कैसे संभाले ठीक है। वैसे ये भी एकदम सही बात ये बोल रहे हैं कि यदि हमारी टीम भी घबरा जाए कि जिस केला में क्या हो रहा है, जिस केला में बटन दब रहा है। जब मेरी पूरी टीम आशु पार्टी के लिए सदैव समर्पित है और ये हमेशा के लिए है, क्योंकि जब लक्ष्य एक है तो अपने में पांच कर करके कोई फायदा नहीं है। एक साथ हम लोग अगर आएंगे और हम लोग डबल पावर से विधानसभा का विकास करेंगे, डबल पावर के साथ करेंगे। आप लोगों को क्या उम्मीद है इस चीज का? ये डबल पावर से हम लोग विकास करेंगे तो हम लोग आपस में क्यों लड़े और एक पद के लिए हम लोग क्यों परेशान हो, जब सिर्फ लक्ष्य एक है कि हमारे विधानसभा का विकास होना चाहिए जो 10 वर्षों से रुका हुआ है, करीबन एक दशक हो गया। एक दशक में दुनिया बदल जाता है। वहीं रोशनलाल चौधरी ने कहा कि 23 दिसंबर को परिणाम आने के बाद आजसू पार्टी की सरकार बनती है तो बड़कागांव ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के विस्थापितों को हक और अधिकार दिया जाएगा। आजसू नेत्री विपक्ष के प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अपना आंसू पोंछने के लिए जनता का साथ ले रहा है वो क्या जनता और क्षेत्र का विकास करेंगे? क्षेत्र के विकास करने के लिए सशक्त और सक्षम नेतृत्व चाहिए जो लड़कर संघर्ष कर क्षेत्र का विकास कर सके। आजसू पार्टी में वो नेतृत्व करने की क्षमता